जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एड्यूटॉक इंडिया। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, इसे अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी होती है। देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं और वो वृषभ की सवारी करती हैं। वे दाहिने एक हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, वही दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं एक हाथ में डमरू है तथा दूसरे बाएं हाथ में वो वर मुद्रा में हैं। माता महागौरी की पूजा करते वक्त गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। अष्टमी की पूजा और कन्या भोज करवाते समय लोग इसी रंग को पहनना पसंद करते हैं। महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है क्योंकि महागौरी को नारियल अति प्रिय है। माता महागौरी का पूजन मंत्र है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुचि, महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महागौरी का वर्ण एकदम सफ़ेद है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। महागौरी के सभी आभूषण एवं वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके शरीर को गंगा जल से स्नान करवाते हैं। ऐसा करने से देवी अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है, तभी से उनका नाम गौरी पड़ गया। एक दूसरी कथा के मुताबिक एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतज़ार करने लगा। इस इंतज़ार में वह काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर काफ़ी दया आ गई। माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया क्योंकि एक तरह से उसने भी तपस्या की थी। महागौरी के तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमय है, इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक माता की आराधना करते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे माता के 9वें स्वरूप के बारे में। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।